जय जगन्नाथ। और अभी मैं 6 बजे उठ चुका था और 6 बजे उठने के बाद मैंने अपना एडिटिंग मतलब चालू कर दिया था। 6 बजे स्टार्ट किया था एडिटिंग और अभी बजा है टाइम 7:30। ये आप लोग देख सकते हैं 8 बजने को है। एडिटिंग अभी भी प्रोसेसिंग है और मैं अभी नहा के निकल पड़ता हूँ प्रभु जी को दर्शन करने, क्योंकि कल तो एक बार दर्शन किया था लेकिन वो प्रभु को जितने बार देखे ना उतनी बार ही कम पड़ जाता है, तो और एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो बहुत सारा मैं चीज़ मतलब देखा हूँ, जो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, आप लोग भी पहली बार होंगे शायद, लेकिन मेरे साथ हम सब घूमेंगे, एक साथ घूमेंगे, तो जुड़े रहिए। मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो एडिटिंग मैं फ़ोन से ही करता हूँ और फ़ोन से अच्छा हो जाता है। और टाइम हुआ था 7:30, मेरे को 1.5 घंटा लग गया एडिटिंग करने के लिए और अभी प्रोसेसिंग चल रही है, आप ये देख सकते हैं। नहाने के बाद मैं पैंट शर्ट भी पहन चुका हूँ अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ प्रभु जी को दर्शन करने, क्योंकि कल तो दर्शन किया था लेकिन भगवान है जिन्हें बार बार देखने की इच्छा मन में आता है, तो और एक बार दर्शन करके आते हैं। अभी बजा है 8:30 और 9 बजे के अंदर हम आ जाएंगे प्रभु जी से मिलकर। उसके बाद हम पुरी में जो लोकल प्लेस में जो अच्छे अच्छे जगह है वो आप लोग को घूम के दिखाऊँगा, तो मेरे से जुड़े रहिए। प्रभु जी का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि आज 10 बजे तक मंदिर बंद है, तो अभी टाइम हुआ है 9 बज चुका है, तो मेरे को और भी कहीं जगह जाना है अच्छे अच्छी जगह, तो मैं मंदिर फिर शाम को जा पाऊँगा, अभी नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं अभी जाता हूँ तो मेरे को वो सब जगह दिखाने में लेट हो जाएगा। अभी मैं रूम से निकल चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मौसी का घर, जगन्नाथ जी का मौसी का जो घर है वहाँ जा रहा हूँ। घर से निकलने के बाद मैं बड़दांड होकर जगन्नाथ जी का मौसी का घर निकल पड़ा और ये देख रहे हैं मैं रास्ते में हूँ। और सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए मैं रास्ते में कुछ टिफिन कर लिया, उसके बाद फिर मैं गुंडीचा मंदिर की तरफ बढ़ा। ये रहा गुंडीचा मंदिर जहाँ पे प्रभु साल में एक बार उनके बहन और भाई के साथ एक बार यहाँ आते हैं, और यहाँ इसके अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था इसलिए मैं बाहर से आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसा है क्या है। गुंडीचा मंदिर घूमने के बाद मैं निकल पड़ा टोटो लेकर, और मैं यहाँ इसके बाद मैं जाऊँगा बेड़ी हनुमान और चक्र नृसिंह मंदिर, आगे मैं आपको बताऊंगा उसके स्टोरी है, एक अच्छा सा स्टोरी है जो आप लोग आगे देखेंगे। मैं आकर पहुंच चुका हूं चक्र नृसिंह मंदिर, आगे देखते हैं। ये है मंदिर का गेट, मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो ये बाहर से मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। और ये जो है जगन्नाथ जी का ससुर जी का घर है, जब जगन्नाथ जी ने और बलराम जी जब माता लक्ष्मी को घर से निकाल दिए थे क्योंकि वो एक चंडाल मुनि के घर चले गए थे, तब माता आकर यहाँ रहे थे, तो इसलिए ये उनका ससुर जी का घर है। चक्रपीठ दर्शन करने के बाद मैं आकर पहुँच चुका हूँ अब बेड़ी हनुमान, और ये भी पूरी से आपको लगभग 6 किलोमीटर होगा और ये बहुत अच्छा और फेमस जगह है, ये आप देख सकते हैं। फ़ोन जो है वो मंदिर के भीतर अलाउ नहीं था तो मैं ये व्यू जो है वो बाहर से लिया, और जो नाम दिया गया है बेड़ी हनुमान, इसका नाम बेड़ी हनुमान इसलिए है क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को एक बेड़ी से बांध लिए थे, और उस बेड़ी जिस बेड़ी से बांधे थे उसके ऊपर राम राम भी लिखा था। जगन्नाथ जी को इसलिए हनुमान जी को बांधना पड़ा क्योंकि वो बार बार अयोध्या चले जाते थे प्रभु राम से मिलने,
और जब हनुमान जी अयोध्या चले जाते थे तो जो समुद्र का जो पानी है वो प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने मंदिर के पास आ जाते थे, तो जो समुद्र के पास में जितने लोग रहते थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पानी जब आता था बहुत सारा नुकसान करके जाता था। तो जगन्नाथ जी ने इसलिए हनुमान जी को बोले कि आप बार बार अयोध्या चले जाते तो यहाँ बहुत लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। तो हनुमान जी ने बोले कि आप मुझे बांध लीजिए, क्योंकि आपके अलावा मोरे को कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को एक बेड़ी से बांध लिए, और जिस बेड़ी के ऊपर राम राम भी लिखा है, और माता लक्ष्मी को बोले कि आप हनुमान के हाथ में एक लड्डू दे दीजिए। और मंदिर के अंदर हनुमान जी के एक हाथ में लड्डू भी पकड़े हुए हैं, आप जब आएंगे ये देख सकते हैं। तीनों जगह घूमने के बाद मैं थोड़ा यहाँ आकर रेस्ट कर रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ अभी, और भी आगे जाना है, तो अभी थोड़ा 10 मिनट बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा फिर आगे के लिए। मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर से चल पड़ा हूँ स्वर्ग द्वार की ओर। वहाँ पर जाकर पहुँच के आपको दिखाऊँगा कैसा है क्या है स्वर्ग द्वार। जुड़े रहिए, लाइन से जा रहा हूँ अभी। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है पैदल, 41 मिनट लग जाएगा मेरे को पैदल जाने के लिए। तो वहाँ जाकर पहुँच कर आप लोग को दिखाऊंगा क्या है कैसा है। मैं समुद्र के रास्ते से होकर मैं स्वर्ग द्वार की तरफ निकल पड़ा, और ये देख सकते हैं सी बीच सुबह कैसा है। ये जो सब चेयर पड़ा है ना बैठने के लिए, और 30 रुपये 50 रुपया लेंगे एक चेयर का, 50 रुपया बैठने के लिए, बहुत हार्ड है, मेरे को नहीं बैठना है, मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊँगा। इसके बाद मैं गोल्डन बीच गया, और गोल्डन बीच में ढुकने के लिए आपको पहले टिकट काटना पड़ेगा, 20 रुपया लगेगा आपको। आगे देखते हैं गोल्डन बीच में क्या क्या है। मेरे को यहाँ एंट्री करने के लिए 20 रुपया देना पड़ा, ये रहा मेरा टिकट, 20 रुपया लिखा है, हाँ 20 ही तो लिखा है, 20 रुपया देना पड़ा। अगर 20 रुपया नहीं देता तो ये मुझको अंदर ढुकने नहीं देते। अब भाई बैठने के लिए पैसा चाहिए, ढुकने के लिए पैसा चाहिए, करेंगे क्या इन पैसों को, ये अचार डाले। अब पैसा दीचू एपुट गस पर नहीं सही सो पैसा दीजिए 20 रुपया। मैं उस साइड था और इस साइड आने के लिए मेरे को 20 रुपया देना पड़ा। अगर मैं उस पार चला जाऊँ मेरे को फिर से 20 रुपया देना पड़ेगा, इस साइड और इस साइड आने के लिए आपको 20 रुपया का एक टिकट काटना पड़ेगा। गोल्डन बीच के अंदर आपको टॉयलेट का फैसिलिटी मिल जाएगा और बैठने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगा, इसलिए वो 20 रुपया चार्ज करते हैं। यहाँ ये मर के पड़ा हुआ है, इसका हालत ख़राब हो चुकी है, समुद्र से आके यहाँ पड़ा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे स्वर्ग द्वार, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं, बाय।